नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। अमृतकाल के इस दौर में नई संसद भवन आपने देखी है, नई रवायत भी देखी है, और इस नई रवायत में सांसदों के थोक में निलंबन की प्रक्रिया भी आप देख रहे हैं, और इस प्रक्रिया के दौर में भावनाओं के आहत होने का वो दौर भी देखा जा रहा है, जिसमें भावनाओं के आहत होने के बाद बड़े से बड़े संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अपनी जाति का उल्लेख करना नहीं भूलता। दरअसल यही अमृतकाल की नई रवायत तो नहीं है, सवाल ये है। और सवाल ये है कि मौजूदा दौर में विपक्ष विहीन लोकतंत्र की परिकल्पना क्या वाकई अब इसे एक सिद्धांत के रूप में स्वीकार कर लिया जाएगा? और इस सवाल पर चर्चा के लिए, नई रवायत पर चर्चा के लिए, सांसदों के निलंबन की पूरी प्रक्रिया पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद है देश के जाने माने पत्रकार, तकरीबन 4 से 5 दशकों का लंबा पत्रकारिता का अनुभव रखने वाले और लोकसभा के सदस्य रहे वरिष्ठ पत्रकार संतोष भारतीय जी। संतोष भारतीय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपने संसद का वो दौर भी देखा है जिस दौर में एक साथ आप ही के दल के 7 सांसदों को निलंबित किया गया था, जिस दौर में आप सांसद हुआ करते थे, लेकिन तब भी वो बवाल नहीं हुआ जो आज हो रहा है। तब भी किसी ने अपनी जाति का उल्लेख नहीं किया, तब भी किसी ने समुदाय का उल्लेख नहीं किया, और दोनों हाउस में एक साथ मास एक्सपल्सन उस दौर में भी नहीं हुआ जिस दौर में संसद का है फैजा डेरा, यानी कि अव्यवस्थाओं से भरा हुआ एरा जिसे कहा जाता था। आज की इस कार्यवाही को जो पिछले 4-5 दिनों से चल रही है, किस प्रकार से देखते हैं आप? अभिषेक जी, पहले तो जो बयान आए हैं उन बयानों को उनका अर्थ समझना चाहिए हमें। जेपी नड्डा ने अभी हफ्ते भर पहले एक बयान दिया कि लोकतंत्र की परिभाषा बदल गई है, राजनीति बदल गई है और कांग्रेस को इसे बहुत जल्दी समझ लेना चाहिए। आप अगर जेपी नड्डा ये कह रहे हैं तो इसका इशारा कुछ है। प्रधानमंत्री मोदी ने लोकतंत्र की परिभाषा जो आप जानते थे और जो मैं जानता हूँ या जो हमारी किताबों में पढ़ाई जाती है उससे लोकतंत्र की परिभाषा आज अलग है। इसका मुकाबला भी वैसे ही करना चाहिए। आपने जिक्र किया कि जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तो विपक्ष के सांसदों का निलंबन हुआ था, सांसदों ने उसके जवाब में इस्तीफा दे दिया था जी और इस्तीफा दे करके वो देश में चले गए थे अपने अपने चुनाव क्षेत्र में, और सारे देश में एक आंदोलन शुरू हो गया था। उत्तर से लेके दक्षिण तक, पूरब से लेके पश्चिम तक, हर जगह सुबुगाहट, चर्चा, सत्ता की निरंकुशता और भ्रष्टाचार का सवाल लेकर के लोग हाँ सामने आए थे। सवाल ये कि आज जो ये हो रहा है इसका मुकाबला आज के सांसद या उन सांसदों के दल कुछ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आज लोग मान लेते हैं कि ट्विटर पे हमने कुछ कह दिया और हमने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया। हाँ नहीं, अगर सड़क पे आप नहीं जाएंगे, जनता को नहीं समझाएंगे कि इसका मतलब क्या है, तो फिर आपकी बात को लोग मानेंगे नहीं और वही बात मानेंगे जिसको टेलीविजन, अखबार और खुद प्रधानमंत्री जी और उनकी पार्टी तेज तेज बोल रही है। जी तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि आज के विपक्ष को उससे ज्यादा समझदारी से काम लेना पड़ेगा जो जिसका जिक्र आपने किया राजीव गांधी के समय के विपक्ष के, और उस समय सारे नेता सड़क पे थे और आज कोई भी नेता सड़क पे नहीं है। सिर्फ आप कह रहे हैं कि हम विरोध करेंगे, तो लोकतंत्र में सशक्त विरोध भी एक सशक्त विपक्ष की निशानी है। तो विपक्ष का अपना एक कर्तव्य लोकतंत्र को बचाए रखने में बहुत बड़ा है। जिसको आज विपक्ष पूरा करता है या नहीं करता ये अलग चीज़ है। आपने आहत होने की बात कही, जी आहत तो हम सब हर समय किसी न किसी चीज़ से होते हैं, पर प्रश्न ये कि हम उसका मुकाबला कैसे करते हैं। जी अगर हम आहत होते हैं तो हमको उसका रिएक्शन देना चाहिए ना, प्रतिक्रिया देनी चाहिए, एक्शन में देना चाहिए जवाब, हम क्यों नहीं दे रहे हैं? ये मेरी चिंता सबसे बड़ी है, बजाय आपके उस आहत वाले सवाल के ऊपर कि आज जितने भी विपक्ष के नेता हैं उनको आज इस्तीफा दे देना चाहिए था संसद से, बल्कि कल ही दे देना चाहिए था जब उनका निलंबन हुआ, लेकिन नहीं दिया किसी ने। तो मेरे लिए ये चिंता की ज्यादा बात है। निलंबन के बाद इस्तीफा दे देना चाहिए था, ये बात बिल्कुल सही आपने कही, क्योंकि 1989 में भी अगस्त का महीना था, यही घटना हुई थी, तब भी लोकसभा चुनाव 4 महीने दूर थे। लेकिन यहां दो मुद्दे दिखाई दे रहे हैं। एक मुद्दा है सवाल पूछने पर सांसदों के निलंबन का। हेमा मालिनी की एक बाइट मैंने आज देखी है, हेमा मालिनी भी लोकसभा की सदस्य है,
उन्होंने कहा है कि ये सांसद सवाल बहुत पूछते थे, सवाल पूछकर हंगामा करते थे। अब सवाल पूछना और सवाल पूछते हुए अगर मांग नहीं मानी जाए तो वेल में आना, ये कब से असंसदीय हो गया? ये तो मैंने कहीं पढ़ा भी नहीं है ना सुना है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि उस समय की लोकसभा, उस समय के नेता, उस समय लोकतंत्र की समझ, उस समय भारतीय जनता पार्टी, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी की भारतीय जनता पार्टी थी, जिनको लोकतंत्र में आस्था थी। आज जब खुलेआम भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उसके गृह मंत्री ये कह रहे हैं कि अब लोकतंत्र का मतलब बदल गया है, अब राजनीति का मतलब बदल गया है, तो ये जो शब्दों के बीच का जो गैप है, इसके बारे इसमें क्या कहा जा रहा है, इसको आज के विपक्ष को समझना पड़ेगा और उसका उत्तर भी उसी तरह से देना पड़ेगा। उस समय चूंकि अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोग थे, आडवाणी जी जैसे लोग थे, इसलिए उस समय अभिषेक जी एक तरह का विरोध हुआ, राजीव गांधी थे सामने जिसमें ये लोग भी शामिल थे, लेकिन आज की तारीख में राजीव गांधी जैसी नैतिकता नरेंद्र मोदी दिखाएं ये आवश्यक नहीं है। वो अपनी नैतिकता की आज एक परिभाषा अलग कर रहे हैं जी। तो मेरा कहना है कि एक अच्छा राजनेता वो होता है जो सामने वाले के मंशा को समझ के अपनी रणनीति को तय करे। क्या आज के नेता ये कर रहे हैं? किसी भी दल के नेता नहीं कर रहे हैं। तो मेरी चिंता जो आप कह रहे हैं वो ये है कि सवाल पूछना भी आज लोगों को पसंद नहीं आता है। आज तो छोड़ दीजिए, अगर आप किसी का कैरिकेचर बना दें तो आप जेल में चले जाएंगे। लेकिन आप लोगों ने जब पत्रकारिता के दौर में या छात्र आंदोलन का दौर था, भारत के राष्ट्रपति की, मैंने आप पर नहीं कह रहा मतलब, तो किसी दूसरे कार्टूनिस्ट नहीं बनाया था, बाथ टब में बैठकर इमरजेंसी के प्रपोजल पर सिग्नेचर करने वाली तस्वीर जब बनाई थी, वो कार्टून जब बनाया था, तब भी लोगों की भावनाएं आहत नहीं हुई थी। देखिए वो, लेकिन आज देखिए क्या हो गया, कोई कैरिकेचर कर रहा है उस पर हो रहा है, मिमिक्री पर हो रहा है। वो अबू साहब ने इंडियन एक्सप्रेस में बनाया था जिस कार्टून की आप बात कर रहे हैं, फखरुद्दीन अहमद को लेकर के, कि उन्होंने नहाते हुए ऑर्डिनेंस पे साइन किए। पर मैं फिर वही सवाल करता हूँ कि उस समय एक अलग तरह के लोकतंत्र में दीक्षित लोग थे जिनकी ट्रेनिंग हुई थी, वो राजनीतिक प्रक्रिया से निकले हुए लोग थे। आज के जो सांसद हैं, माफ कीजिएगा, ये राजनीतिक प्रक्रिया से निकले हुए लोग नहीं है, बुलेरो और ठेकेदारी की प्रक्रिया से निकले हुए लोग हैं। और चूंकि निकले हुए लोग हैं इसलिए इनको राजनीतिक आस्थाओं का भी नहीं पता है, और ये भी नहीं पता है कि हमारा देश के लोकतंत्र का विकास कैसे हुआ। वो तो ये मान रहे हैं, आपने सुना होगा कि एक फिल्म अभिनेत्री जिसको मोदी जी बहुत ज़्यादा प्रश्न देते हैं, उसने कहा कि 2014 से ही तो देश आजाद हुआ है। तो अब सारी चीजें 2014 से आगे बढ़ रही हैं। अब इसका विरोध विपक्ष ने अब तक नहीं किया। मैं बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के या लीडरशिप के ऊपर या राष्ट्रपति के ऊपर या प्रधानमंत्री के ऊपर या दोनों पीठासीन अध्यक्षों के ऊपर या उपराष्ट्रपति के ऊपर या लोकसभा के अध्यक्ष के ऊपर सवाल नहीं उठा रहा हूँ। मैं सवाल विपक्ष के ऊपर उठा रहा हूँ कि इन्हें जो सवाल उठाने चाहिए थे, इन सारी प्रक्रियाओं को भ्रष्ट होते देखते हुए इन्होंने क्यों नहीं उठाए जी? क्योंकि लोकतंत्र में सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, राजीव गांधी की जिम्मेदारी नहीं थी, उस समय के विपक्ष की जिम्मेदारी थी जो राजीव गांधी के सामने खड़ा हुआ। आज भी मोदी जी, अमित शाह या जेपी नड्डा की जिम्मेदारी नहीं है, जिम्मेदारी विपक्ष की है कि अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती, आप जनता को क्यों नहीं समझाते हैं? आप जनता के बीच क्यों नहीं जाते हैं? आपको कोई याद है पिछले 5 साल 10 साल में जिसमें जनता के बीच में कोई आंदोलन किया हो? 10 साल की बात कर रहा हूँ सिर्फ, 14 से लेके अब तक किसी पार्टी ने नहीं किया, कांग्रेस पार्टी ने तो बिल्कुल नहीं किया। तो मैं कांग्रेस पार्टी की इस काहिली की आलोचना करता हूँ और इसे बहुत दुख के साथ देखता हूँ। आपने काहिली की बात की और इसके पहले आपने एक इशारा किया पार्टियों के आलाकमान कल्चर पर। एक, चूंकि ये थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है और चूंकि आप संसद के सदस्य भी रहे हैं, लिहाजा आपसे ये सवाल पूछना लाजमी हो जाता है। सवाल ये है कि आप लोग जिस दौर में संसद में थे, 10th शेड्यूल और 52nd अमेंडमेंट आ चुका था, यानी दल बदल अधिनियम एक तिहाई के साथ। टेक्निकलिटी यहाँ ये है कि मौजूदा दौर में दल बदल अधिनियम ये कहता है कि आप नई पार्टी नहीं बना सकते, आपको कहीं जाके मर्ज करना होगा। और दूसरा, दल बदल के लिए जो न्यूनतम संख्या है वो कम से कम किसी दल विशेष का 2/3 होनी चाहिए। अब टेक्निकल पहलू यहाँ पर यह है कि कोई व्यक्ति नेता हो सकता है किसी दल का, एक बार यदि चुन लिया जाए 50% +1 पर,
वो नेता हो सकता है, जैसे 200 सांसद किसी दल के हैं तो 101 उसके पास है तो नेता हो सकता है, लेकिन उसको हटाने के लिए 134 लोग भी यदि 132 लोग भी इकट्ठे हों तो चूंकि वो दो तिहाई नहीं है, वो अनुशासन के डंडे से बंधे हुए हैं माइनॉरिटी के द्वारा। ये एक नई परिपाटी है जो 2003 का अमेंडमेंट कहता है। और इसके आने के बाद क्या आपको नहीं लगता कि पार्टियों में हाईकमान कल्चर, पार्टियों में इनर डेमोक्रेसी की कमी, इसको बढ़ावा मिला है? क्योंकि ये अपने आप में एक अलोकतांत्रिक सा प्रतीत होता है कि आप अपनी असहमति की आवाज को सामने रखेंगे तो इसे दल विरोधी गतिविधि माना जाएगा। अभिषेक जी, अगर ये पत्रकारिता का सवाल होता तो मैं ज़्यादा सही जवाब आपको नहीं, देता। आप दे सकते हैं। ये नहीं, ये राजनीति का सवाल है और राजनीति के सवाल पर फिर वही बात आके रुक जाती है। मैं अपनी बात के ऊपर अड़ा हुआ हूँ कि ये सारी चीज़ें जब हो रही थी तो क्यों विपक्ष खामोश रहा? कहीं विपक्ष ने विरोध किया? जितनी सारी चीज़ें आप कह रहे हैं, मुझे तो नहीं लगता कहीं भी विरोध नहीं, किया हो। तो फिर आपकी चिंता से क्या फर्क पड़ता है लोकसभा के ऊपर, देश की राजनीति के ऊपर? चिंता से फर्क पड़ता है या तो पूरा मीडिया? आप सवाल करते कि मीडिया क्यों इस सारी चीज में खामोश है, तो मैं आपको आधिकारिक ढंग से जवाब देता। संसद में जब ये सारी चीजें हो रही थी, जो चिंताएं अभी आपने बताई, क्या किसी राजनीतिक दल ने, छोटा हो बड़ा हो मझोला हो छोड़ दीजिए, सारे देश में किसी राजनेता ने कोई एक बयान तक दिया इसके खिलाफ? हाँ नहीं दिया। तो इसका मतलब यह है कि आपने खुली छूट, वॉकओवर दे दिया। जो सत्ता जैसा चाहती है अपने हित में, उसने वैसे नियम बनाए, वैसे कानून बनाए, वैसे नियमों में परिवर्तन किए और अब उसे वो एंजॉय कर रहे हैं। और अब जब आप परेशान हैं, लेकिन मैं यहां माफी चाहूंगा, आपको रोक रहा हूं। जी इसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशनल कॉम्प्लेक्सिटी बहुत क्रिएट हुई है। आप देखिए, नवाम रेबिया से लेकर महाराष्ट्र के मामले तक, सुप्रीम कोर्ट अपनी संविधान पीठ के आदेश को 11 मई से, आज हम चर्चा कर रहे हैं, 20 दिसंबर हो गया, और वो पालन करवा पाने की स्थिति में अब तक नहीं आ पाया, वो तो डेडलाइन बढ़ाता जा रहा अरे है। तो आप मैं अभिषेक अब क्या कहूँ? आप ये बताइए ना, ये सारी चीज़ें, या सुप्रीम कोर्ट अगर कंप्रोमाइज हो रहा है या सुप्रीम कोर्ट समझौता कर रहा है, इसके बारे में कोई राजनीतिक दल बोल रहा है? किसी ने नहीं, नहीं बोला। मुझे याद है चंद्रशेखर जी, वीपी सिंह जी उस समय खुलेआम सुप्रीम कोर्ट को लेकर के सवाल उठाते थे, हाँ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सवाल उठाना देशद्रोह नहीं है, ये लोकतंत्र का हिस्सा है। और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि जो भी न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका जो गड़बड़ करे, उस चीज को लेकर के वो एनालाइज कर सकते हैं। सिर्फ एक ही अथॉरिटी है सुप्रीम कोर्ट जो कर सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं कर रहा है तो उसकी लोकतांत्रिक आलोचना तो होनी चाहिए। हाँ क्यों लोकतांत्रिक आलोचना नहीं होती है? चीफ जस्टिस बाहर कुछ कहते हैं, अंदर कुछ करते हैं, इसकी आलोचना क्यों नहीं होती है? लोकतंत्र में ये सवाल पत्रकार भी उठा सकते हैं, राजनेता भी उठा सकते हैं, आम जनता के लोग उठा सकते हैं, पर कोई उठा रहा है क्या? नहीं नहीं, उठा रहा है। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि ये बिल्कुल हम एक अलग तरह के व्यामोह में पड़े हुए हैं, जहां हम सवाल पूछना नहीं चाहते, हम उसको अपने मन के हिसाब से होते देखना चाहते हैं। ऐसा कभी नहीं होता। जी अगर आप नहीं बोलेंगे, अगर आप सवाल नहीं उठाएंगे, राजनेता हों, आम जनता के लोग हों, पत्रकार हों या राजनेता हों, हाँ तब तक आपको उसका उत्तर नहीं मिलेगा। हाँ रघुवीर साहब की एक लाइन थी, कुछ तो होगा, कुछ तो होगा यदि मैं जी बोलूंगा। मैं बोलूंगा ही नहीं तो कुछ होगा कहाँ से? और गांव में बड़ी पुरानी कहावत है कि बच्चा भी जब रोता है तब माँ दूध हाँ पिलाती है। तो ये तो लोकतंत्र का सवाल है, कौन रो हाँ रहा है? कोई रो रहा है क्या? कोई नहीं रो रहा है, सब उसमें मजा ले रहे हैं। जिस स्थिति में है इसी में अपना हिस्सा नोचने की कोशिश कर रहे हैं, जो नहीं होना चाहिए, जो लोकतंत्र की तबाही की तरफ रास्ता जाता है। खामोशी, सवाल न करना, प्रश्न न उठाना, हाँ ये देश के लिए बहुत, लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। दुनिया में जी एक नई तरह का आप लोकतंत्र आप पेश कर रहे हैं, और अगर आप उसका विरोध नहीं करेंगे तो यही लोकतंत्र दुनिया में सही माना जाएगा। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। परवेज मुशर्रफ जैसा सैनिक तानाशाह भी आगरा पहुंचकर भारत की प्रेस का इस्तेमाल कर भारत की सरकार को जलील कर चला गया, लेकिन भारत के लोकतांत्रिक ढंग से चुने हुए प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। खैर, हमारे कहने से वो करना शुरू कर देंगे, ऐसी बात नहीं है। सवाल, एक सवाल बनता है, आपके पुराने सहयोगी, आपके दल से, जिस दल से आप सांसद थे, उसी दल से लोकसभा में आपके सहयोगी के तौर पर भी रहे, उपमंत्री भी रहे, आज उपराष्ट्रपति हैं, सभापति हैं, भावनाएं उनकी आहत हो रही है। एक दौर में वो सवाल बतौर उपराष्ट्रपति ये उठाते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर की जो केशवानंद भारती वाला जो जजमेंट है 13 मेंबर की बेंच का,
वो जजमेंट अब अव्यवहारिक हो गया है, यानी तानाशाही के रास्ते में कहीं ना कहीं एक रोड ब्लॉक की तरह वो अभी भी दिख रहा है। किस तरह से आप जगदीप धनखड़ साहब की पर्सनालिटी को जज करते हैं एज ए सहयोगी सांसद, एज एन बतौर उपराष्ट्रपति नहीं, उनके व्यक्तित्व के उस पहलू को हम जानना चाहते हैं अपने दर्शकों के लिए। अभिषेक जी, जब जगदीप धनखड़ जी हम लोगों के साथ थे, सांसद थे, हमारे साथ बैठकों में बैठते थे और बहुत अच्छी बातें करते थे, लेकिन वक्त बदलता है, आदमी का मिजाज बदलता है। मैं जगदीप धनखड़ के लिए क्यों कहूँ, मैं प्रधानमंत्री जी के लिए क्यों नहीं कहूँ जो आज उन्होंने कहा, बल्कि कल कहा कि मेरा तो शुरू से अपमान हो रहा है, मुझे तो शुरू से मजाक का विषय बनाया गया है, आपको तो आज बनाया गया, ये उन्होंने आज कहा ना जगदीप धनखड़ साहब को, उपराष्ट्रपति जी को फोन करके। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि कांग्रेस के लोग ये भूल गए कि उनके बारे में क्या क्या कहा गया है, किसी को याद ही नहीं है। तो इस कांग्रेस के लिए मुझे नहीं लगता है कि आपके जितने सवाल हैं इनका उत्तर देने की प्रमुख विपक्षी पार्टी होने के नाते कांग्रेस की जिम्मेदारी है, कांग्रेस इसको इसका जवाब देना चाहिए। कांग्रेस क्यों नहीं दे रही है, हम क्यों दें कांग्रेस की तरफ से जवाब प्रधानमंत्री जी को, जगदीप धनखड़ जी को या राज्यसभा के उपसभापति को, जिनकी चर्चा होती है बार बार कि उन्होंने इस तरीके से किसानों वाला बिल पास करा दिया, हम क्यों उनकी आलोचना करें। हमारा ये कहना है कि हमारा आपका कर्तव्य यह है कि अगर विपक्ष सही सवाल उठाता है तो उसका आप साथ दीजिए, उसकी उसकी बात को बढ़ाइए, उसको समझाइए, पर अगर वो सवाल ही ना उठाए और उनकी जिम्मेदारी आप और हम निभाने लगें तो मुझे नहीं लगता है कि ये हमारा, यानी मुझे नहीं लगता है कि मेरे लिए इसका उत्तर देना सही होगा। अगर कोई, या तो मैं सीधे फिर राजनीति में जाऊँ और मैं इन सवालों को उठाऊं जो मुझे जाना नहीं है। मैं संयोग से एक बार राजनीति में गया था, वो भी अपनी मर्जी से नहीं गया था, एक्सीडेंटली टहलते हुए लोकसभा में पहुंच गया था और लोकसभा में मैंने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार और कांग्रेस के उम्मीदवार को हराया था, लेकिन वो मेरी जिंदगी का एक हिस्सा था जो खत्म हो गया। मैं फिर पत्रकारिता में आया हूँ, ईमानदारी से पत्रकारिता में आया हूँ और आज भी पत्रकारिता में हूँ और आँख में आँख डाल के बात करता हूँ। बिल्कुल आपने सही बात कही कि एक बार आप राजनीति में गए थे और कांग्रेस पार्टी के ऊपर जो सवाल आपने उठाया वो भी वाजिब है, लेकिन इसी से एक सवाल और उपजता है। आपने तमाम आंदोलनों को करीब से देखा है, जेपी आंदोलन को या उसके बाद जो बोफोर्स का आंदोलन हुआ पूरे देश में उसको भी आपने देखा, उसके बाद 25 सालों तक जो गठबंधन का दौर चला और हम जैसे लोग उसी एरा में ग्रूम हुए हैं जब संसद के अंदर कानून बनते थे, विधेयक पेश होता था, अमेंडमेंट आते थे उस पर, ऐसा लगता था कि लोकतंत्र जीवंत है। उस दौर को हम लोगों ने देखा, बीजेपी भी विपक्ष में होती थी, अच्छी भूमिका निभाती थी, कांग्रेस भी होती थी, वो भी अच्छी भूमिका निभाती थी, और लेफ्ट पार्टियां तो हमेशा से अच्छा काम करती थी संसद के अंदर। आज प्रॉब्लम क्या है कांग्रेस पार्टी में, 2014 से हम देख रहे हैं सर कि कांग्रेस पार्टी न तो विपक्ष की भूमिका निभा पा रही है और ना ही उस भूमिका को छोड़ने के लिए तैयार दिखती है, और कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी एक बहुत ही प्रभावी विपक्ष के अभाव में सफर करती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस की फंडामेंटल प्रॉब्लम दरअसल क्या है? कांग्रेस की फंडामेंटल प्रॉब्लम यह है कि कांग्रेस के जो भी आज नेता हैं, सिर्फ तीन नेताओं का नाम लीजिए, सोनिया जी का, राहुल जी का और प्रियंका जी का, इन तीनों लोगों को अपना इतिहास ही नहीं पता है। इन्हें नहीं पता इंदिरा गांधी ने किस तरीके से बाउंस बैक किया था, इन्हें यह भी नहीं पता कि राजीव गांधी भी कितने बड़े डेमोक्रेट थे, सब कुछ के बावजूद उन्होंने डायलॉग कभी कम खत्म नहीं किए थे बाकी सारे लोगों से। ये तो अपनी पार्टी में तीनों डायलॉग नहीं करते हैं। किसी भी पार्टी को चलाने के लिए बहुत जरूरी है कि आपका कार्यकर्ताओं के साथ, पार्टी के नेताओं के साथ, राज्य के नेताओं के साथ बातचीत हो। हमको कोई नहीं कहता कि हम बहुत, क्योंकि मैं भी आप ही के पेशे का हूँ, मैं लगातार जानने की कोशिश करता हूँ कोई नेता राहुल गांधी से मिला क्या, मिला तो क्या हुआ, क्या प्रियंका गांधी से मिला, सोनिया जी तो चलिए आज बीमार हैं नहीं मिल पा रही हैं, पर कोई भी ऐसा नहीं मिलता है कि हम गए, हमने अपनी बात कही, अपनी समस्या कही और उन्होंने उस समस्या को हल करने की बात कही हो। तो जिस पार्टी की लीडरशिप अपनी कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनते, जिसका नेतृत्व राज्यों के चुनाव के ऊपर ध्यान नहीं देता, जिसका नेतृत्व अब जब 3 महीने चुनाव में रह गए हैं, देश भर में पार्टी लुंज है, पुंज है, कहीं पर भी बढ़ी नहीं है, उत्तर प्रदेश जैसा प्रदेश वहाँ का अध्यक्ष क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है ये किसी को नहीं पता, और जिसकी जिम्मेदार सीधी प्रियंका गांधी जी हैं
और अब जब ममता बनर्जी ने उनसे कहा है कि आप नरेंद्र मोदी के खिलाफ बनारस से लड़िए, तो मैं मानता हूं ये बाकी लोग भी कांग्रेस को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि कांग्रेस के पास कोई रणनीति है ही नहीं 24 में जीतने की। जी वो राज्यों में हारे हैं, वो मुझे अभी कहना, भविष्यवाणी करना गलत होगा, लेकिन कदम तो ये बता रहे हैं कि लोकसभा में लड़ाई बहुत कमजोर हो जाएगी। लोग खिलाफ हैं, लोग 60% लोग खिलाफ हैं, लेकिन दूध हो उससे क्या फर्क पड़ता है, जामन तो चाहिए उसमें, जी नहीं तो दूध फट जाता है। तो इसलिए कांग्रेस के ऊपर मेरी सबसे बड़ी चिंता यही है कि कांग्रेस अपना लोकतांत्रिक कर्तव्य नहीं निभा रही है जो उसे निभाना चाहिए। थोड़ा इस सांसदों के एक्सपल्सन वाले मुद्दे पर आते हैं, चूंकि यहाँ भी कांग्रेस पार्टी सड़क पर आज यूथ कांग्रेस के लोग तो दिख रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से आपने इशारा किया कि वो नेतृत्व और वर्कर के बीच में, वर्कर छोड़िए नेताओं और कांग्रेस पार्टी के आलाकमान के बीच में एक कम्युनिकेशन गैप दिखता है, भारत की मूलभूत समस्याएं क्या है, खासकर हिंदी भाषी भारत की, वहां कांग्रेस पार्टी कमजोर क्यों हुई, ग्रेजुअल डिग्रेडेशन क्यों हुआ, लगातार क्षरण हुआ है कांग्रेस में, इसके फंडामेंटल्स को कोई पहचान नहीं रहा है, बात बिल्कुल सही है। लेकिन आप ही के दौर में एक सवाल आया था जिस समय आप संसद में थे, इंद्रजीत गुप्ता समेत तमाम लोगों ने, मैं पार्लियामेंट के पुराने मिनट्स को उठा के पढ़ रहा था, तो मैंने देखा कि सवाल उठा कि लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका, राज्यसभा के सभापति की भूमिका को इम्पार्शियल कैसे सुनिश्चित किया जाए कि इस पर कोई उंगली ना उठा सके। एक दौर में तो यहां तक कहा गया कि क्यों ना सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को ही या किसी जस्टिस के समान व्यक्ति को यह भूमिका सौंप दी जाए, यह भी सुझाव आया था। अब आपको क्या लगता है कि जिस ढंग से मास एक्सपल्सन हुआ है दोनों हाउस में, कभी ऐसा नहीं हुआ कि 150 के करीब सांसद दोनों सदन के निलंबित कर दिए जाए, विपक्ष में केवल 67 सांसद आज बचे हैं, जब भारत में आईपीसी सीआरपीसी का नाम बदला जा रहा है और काफी संशोधन किए जा रहे हैं, आज की बात है, क्या आपको लगता है कि आने वाले दौर में कांग्रेस पार्टी कुछ हद तक अपनी हठधर्मिता छोड़कर प्रायोगिक राजनीति पर उतरेगी? अभिषेक जी, आपने जिस समय की बात की उस समय ऐसे लोग थे, उस समय शायद कुछ लोगों को लगा था कि लोकसभा का या राज्यसभा का सभापति और लोकसभा का अध्यक्ष शायद कोई फैसला ऐसा कर रहा है जो उसे नहीं करना चाहिए, इसलिए इतनी सारी बात। आज उसकी जरूरत नहीं है। मैं आपसे ये सब मैं एक काल्पनिक सवाल पूछता हूँ कि मान लीजिए अभी लोकसभा 2-3 दिन है, मान लीजिए उन्होंने सारे लोगों को निकाल दिया और देश के लोगों से कहा कि ये देश के विकास में बाधा डाल रहे थे, बिल नहीं पास होने दे रहे थे, ये नहीं कर रहे थे, वो नहीं कर रहे थे, क्या देश की जनता इनके समर्थन में खड़ी होगी? इसलिए नहीं खड़ी होगी क्योंकि लोगों को आज की तारीख में सांसदों का निलंबन, निष्कासन या उनको महोमित्रा को जिस तरह से सदन से बर्खास्त किया गया, सदन की सदस्यता से हटाया गया, किसी के मन में उसको लेकर के कोई बहुत क्षोभ नहीं है, कम से कम दिखाई नहीं दे रहा है। क्या कॉर्पोरेट का हस्तक्षेप इतना बढ़ गया है? नहीं, ये कॉर्पोरेट की वजह से नहीं है, ये राजनीतिक दलों की काहली की वजह से। कॉर्पोरेट क्या करेगा? कॉर्पोरेट तो पैसा देता है, कॉर्पोरेट तो चाहता है कि उसके फेवर की नीतियां बने जो कि ये सरकार बना रही है। पर कॉर्पोरेट और सरकार के का गठजोड़ हमेशा रहा है, इस समय बहुत ज्यादा हो गया है। इस समय पूरी सरकार कॉर्पोरेट की गोद में, ठीक है, लेकिन इसका विरोध कौन करेगा? आम जनता करेगी क्या? आपके हमारे घर वाले सड़क पे आके करेंगे क्या? नहीं करेंगे। ये जिम्मेदारी राजनीतिक दलों की है, कांग्रेस से लेकर के वामपंथी लोग हों या समाजवादी लोग हों या जितने भी जी लोग हों जो विपक्ष में बैठे हैं, जो सत्ता में नहीं है। दुर्भाग्य क्या है जानते हो? कोई ना कोई कहीं ना कहीं किसी ने राज्य में सत्ता में रहा है, इसलिए अब कोई विपक्षी दल है नहीं, सभी सत्तारूढ़ दल हैं। कुछ राज्यों में सत्ता से बेदखल है जो आना चाहते हैं। तो उसने क्या किया है, इस स्थिति ने लोगों को काहिल बना दिया है, अपंग बना दिया है, जनता से दूर कर दिया है। और जनता भी इनका साथ इसीलिए नहीं देती कि आप अपने परिवार के लिए सब कुछ करते हैं, आप अपने घर के लिए सब कुछ करते हैं, आप अपने लिए सब कुछ करते हैं, ये कैसे हो सकता है कि आप भ्रष्टाचार का आरोप अडानी पर लगाएं और अपने भ्रष्टाचार को छुपा ले जाएं? ऐसा नहीं हो सकता जी। उसका मुकाबला आपको करना होगा तो वीपी सिंह चंद्रशेखर जैसे लोग होने चाहिए सामने, अटल जी जैसे लोग होने चाहिए जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे थे, या जो लगे थे वो कहते थे कि हाँ हम इसका सामना करने के लिए तैयार हैं, ये गलत आरोप है। लेकिन आज तो ऐसा नहीं है, आज तो हर आदमी कहीं ना कहीं उसके कुर्ते के ऊपर रंग बिरंगे छींटे हैं। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि इसका भी मुकाबला हो सकता है, बशर्ते आप हिम्मत के साथ बाहर आओ कि हमने जो किया है आप हमको जेल में डालो, ठीक है, लेकिन आप ये गलत कर रहे हैं। मैं एक उदाहरण देता हूं वीपी सिंह का।
वीपी सिंह से अखबार वाले बार बार ये पूछते थे कि सेंट किट्स में आपका पैसा है। वीपी सिंह कहते थे ठीक है ना, उसकी जांच करके मुझे जेल में डालो, लेकिन मुझे ये बताओ कि बोफोर्स का पैसा तुमने उसमें लिया कि नहीं लिया, घूस ली कि नहीं, वन पॉइंट प्रोग्राम। आज का विपक्ष ये नहीं कर सकता कि वन पॉइंट प्रोग्राम कहे कि हमने सब कुछ किया है, लेकिन आप ये जो संविधान में कानून में बदलाव करते चले जा रहे हैं, संविधान की हर चीज़ को आप संविधान सम्मत बता देते हैं, किसी को ज्ञान क्यों नहीं कहे कि ये संविधान सम्मत नहीं है जो आप बोल रहे हैं जी। लेकिन चूंकि न अध्ययन है, न जानकारी है, न इतिहास का पता है, न हिम्मत है, और उस पर आप सोचते हैं कि आप सत्ता का मुकाबला कर लेंगे, आप लोकसभा विधानसभा में जो आपके साथ हुआ है उसकी अवैधता आप जनता को समझा सकेंगे, मुझे नहीं लगता। एक आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं, 89-90 का दौर हो या इमरजेंसी का दौर हो, जनता ने विकल्प ढूंढा और विपक्ष के नेताओं के बीच से ही विकल्प सामने आया, या जो सत्ताधारी दल से जो लोग सत्ताधारी दल की नीतियों के खिलाफ, तानाशाही के खिलाफ, कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ सामने आए उससे विकल्प आया। 4 महीने लोकसभा चुनाव में बचे हुए हैं, और जैसा आपने कहा, साफ साफ कहा इस मंच पर, कि प्रियंका गांधी कांग्रेस पार्टी की मौजूदा दुर्दशा के लिए ज्यादा जिम्मेदार है। आज की तारीख में आपको क्या लगता है, इन 4 महीनों में कांग्रेस पार्टी खुद को कितना बदलने के दिशा में अग्रसर हो सकती है या उसे होना चाहिए? क्योंकि अभी तक जो लक्षण दिख रहे हैं उस लक्षण के मुताबिक तो कांग्रेस पार्टी अभी भी वास्तविकता से कोसों दूर दिखाई दे रही है। अभिषेक, मैं साफ कर दूं कि मैंने प्रियंका गांधी दुर्दशा के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है ये नहीं कहा। मैंने सिर्फ ये कहा कि कांग्रेस पार्टी जो चली गई है विल्डरनेस में या कोमा में जा रही है, उसमें इन तीनों का रोल है, सोनिया जी का भी रोल है, प्रियंका जी का भी रोल है और राहुल जी का भी रोल है, क्योंकि आप पार्टी को जिंदा नहीं कर पा रहे हैं, कार्यकर्ता को विश्वास नहीं दिला पा रहे हैं, राज्य के या जिलों की यूनिटों में ये भरोसा नहीं दिला पा रहे हैं कि हम 24 का चुनाव जिम्मेदारी के साथ लड़ेंगे और ईमानदारी से लड़ेंगे, आप ये नहीं दिला पा रहे हैं। आपने जो कहा कि कितनी क्या संभावना है, तो मैं साफ कहता हूँ कि संभावना तो ये है कि 100% संभावना है अगर ये चेत जाएँ और अपनी पार्टी को और बाकी सारे विपक्ष को मिला के, सिर्फ कांग्रेस को नहीं, सारे लोगों को अपने साथ लेकर के, जो इंडिया गठबंधन इन्होंने बनाया है, अगर उनको एक्टिव करते हैं और सब लोग एक तरह की मीटिंग करते हैं, और मैं आपको बताऊं इसका पहला जो 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 पहला प्रमाण मिलेगा वो 28 तारीख को नागपुर में मिलेगा, कि वो कांग्रेस की अकेली मीटिंग होती है या सारे इंडिया गठबंधन के नेताओं को राहुल गांधी वहाँ पर बुलाते हैं या खुद ही भाषण देने चले जाते हैं 4 नेताओं को लेकर के। ये बहुत बड़ी परीक्षा इस 28 तारीख को होगी। ये राहुल गांधी के ऊपर, प्रियंका गांधी के ऊपर, सोनिया जी बीमार हैं, लेकिन खड़गे जी के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि ये अपने साथ जितने भी मोदी विरोधी कहने वाले लोग हैं या उनकी राजनीति को सही न मानने वाले लोग हैं, अगर वो उन लोगों को एक साथ रख सकते हैं, एक्टिव कर सकते हैं, उनके साथ डायलॉग रख सकते हैं, उनको भरोसा दे सकते हैं कि वो उनकी बात सुनेंगे, तो बदल सकता है। अगर नहीं होगा तो जन मोर्चा के पटना या मुंबई वाले कार्यक्रम की तरह की कल्पना कर रहे हैं क्या? नहीं, मैं तो सिंपल नेताओं के अपनी जागरूकता को लेकर के सामने रख रहा हूँ। उस समय नेता थे वीपी सिंह ने जनमोर्चा बनाया, लेकिन उसको पार्टी नहीं बनाया। वीपी सिंह ने हर पार्टी को तैयार किया, चाहे यहाँ दिल्ली की पार्टियाँ हों या तमिलनाडु की हों या कर्नाटक की हों या आंध्र की हों, सबको तैयार किया उन्होंने एक कॉज के लिए लड़ने के लिए। वैसा कोई नेता अगर कांग्रेस में निकलता है तो शायद सशक्त विपक्ष बन सकता है और सत्तारूढ़ भी बन सकता है, अभी एनीबडीज गेम है, लेकिन अगर नहीं है तो फिर हमको ये मानना चाहिए कि हमको दोबारा मोदी जी का स्वागत करने के लिए तैयार रहना चाहिए। और फिर मोदी जी की परिभाषा के हिसाब से लोकतंत्र चलेगा, मोदी जी की परिभाषा के हिसाब से नियम बनेंगे, कानून बनेंगे, फिर हमको कोई दुख नहीं होना चाहिए। बहुत बड़ी बात कह दी संतोष भारती जी ने कि यदि विपक्षी दल नहीं चेते, खासकर कांग्रेस पार्टी नहीं चेती, तो मोदी जी की परिभाषा के हिसाब से लोकतंत्र चलेगा और मोदी जी की परिभाषा के हिसाब से ही अगला 5 साल चलेगा। हालांकि अभी 4 महीने हैं, 4 महीने में बहुत कुछ हो सकता है, निलंबन और ये सारी चीज़ें अभी झांकी हैं, आगे अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। और जो मोदी जी की परिभाषा है, चलते चलते अंतिम नोट पर मैं ये बात कहना चाहूँगा कि नरेंद्र मोदी जी का एक टेलीविजन इंटरव्यू आया था, आप सभी देख सकते हैं यूट्यूब पर,
जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा था कि गुजरात की ग्राम पंचायतों में उन्होंने एक ऑफर रखा था कि जिन पंचायतों में निर्विरोध चुनाव होंगे वहां पर 1 लाख रुपए राज्य सरकार देगी। यानी डेमोक्रेसी को क्रश करने की, लोकतंत्र को और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को चुनाव विहीन बनाने की जो मानसिकता उन्होंने दिखाई थी गुजरात के पंचायत चुनाव में, निर्विरोध निर्वाचन की प्रक्रिया, वो निर्विरोध निर्वाचन की प्रक्रिया कहीं ना कहीं एक दौर में बिहार के सिवान में शहाबुद्दीन के दौर में जब नगर पालिका में निर्विरोध निर्वाचन होता था उसे रत्ती भर भी अलग नहीं है। तो इस तरह का लोकतंत्र भारत के लोगों को चाहिए क्या? और क्या विपक्ष इस तरह के लोकतंत्र के खिलाफ खड़े होने के लिए तैयार है? देखते हैं, 4 महीने बाकी है। संतोष भारतीय जी ने आज हमारे दर्शकों की भी, खुद मेरी भी, हमारी टीम की भी आंखें खोलने का काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष भारतीय जी, नमस्कार।